अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है शाहजेब अली और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ मेरे YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मेटिव में। तो नाजरीन, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आयते करीमा का असर नहीं है। वो आयते करीमा कौन सी थी, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आयते करीमा का असर, कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने आयते करीमा की असर की बदौलत एक मरीज़ को सेहतयाबी अता की। तो नाज़रीन, वाक़या ये है कि हमारे एक प्रोफेसर की हमशीरा को 6 माह से बुखार था। दुनिया के हर किस्म के टेस्ट करवाए गए, दवाइयाँ पिछले 6 माह से चल रही थी, मगर बुखार से अफाका नहीं हो रहा था। बीबी मेरे वार्ड में दाखिल हुई, से आयते करीमा पढ़ने को कहा और बीबी को बताया कि दवा उस वक्त तक असर नहीं करेगी जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना होगा, और अल्लाह ताला की रहमत को मतवज्जा करने का यही एक तरीका है। पहले तो बीबी ने पढ़ने से टाल मटोल से काम लिया, मगर जब बुखार ने तंग किया तो दिन रात आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन का विर्द शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने इस कलाम की बरकत से बीबी को 7 दिन के अंदर शफा दे दी। दीन की बात को आगे फैलाना सदका जारिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मेटिव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।